तो अभी ऑलमोस्ट 9:45 हो गया टाइम, मतलब 10 बजने ही वाले हैं। और मेरे को भी एक लिफ्ट मिल गई थी और उसके बाद मैंने दिखाया नहीं, लिफ्ट में स्कूटी में लिफ्ट मिल गई थी मार्केट तक। तो यहाँ से अब चढ़ाई पड़ती है पूरी ऊपर इधर को, लगभग यहाँ नीचे से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। उसके बाद रोड आती है, उसके बाद रोड से आगे, उसके बाद आता है हमारा कॉलेज। एक रोड वाला रास्ता भी है यहाँ नीचे, यहाँ से तो खैर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है। जब स्कूटी होती है अपने पास तो वहीं से है रोड वाला रास्ता। तो अभी तो फ़िलहाल इस चढ़ाई में चढ़ना है भाई, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अभी आगे तो और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आने वाली है, तो कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। और यह इधर को देखो भाई, कांटे वाले, इन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और इधर को ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, कुछ पूरा पहाड़ी पहाड़। और मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि जल्दी आ बल, इधर साइड को बंदर है, बोले ऊपर साइड को डरा रहे हैं, बोले वो तो 3-4 हैं, मैं सिंगल हूँ अकेला। तो देखते हैं कैसे बंदर हैं, दिखेंगे तो दिखा देंगे, अगर डराएंगे तो और ज़्यादा ठीक है। तो वो भी रुके हुए हैं मेरे को आगे, चलते हैं। कहाँ पे रुक रखे हो भाई? इधर को सच में बंदर हैं, अभी नहीं दिख रहे, भाग रहे हैं ऊपर, ये डरा नहीं रहे, ये भाग रहे हैं। और भाई मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है। इधर को चढ़ाई, मतलब चढ़ाई है, सीधा है ही नहीं, चढ़ाई है 2-2.5 किलोमीटर पूरा। और यहाँ सुनसान रास्ते पे अकेला बिल्कुल मैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, आगे के पास रुक रखे हैं 2-3 बंदे, ये भयंकर भाई, ये पेड़ से सिट्टी फेंक रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, 2-3 बंदर बैठ रखे हैं मेरे को देख रहा। तो हम सब बंदे अब चल दिए अपना कॉलेज की तरफ, और बंदरों को पीछे छोड़ दिया हमने। और रास्ता भाई बिल्कुल चढ़ाई से भरा है, 1-2 बार बोल दिया मैंने पहले ही। तो चलते हैं अभी कॉलेज में सीधे। तो भाई ये अपनी कुछ छोटी सी क्लास, और ये अपने कुछ उन पे छेड़ रहे हैं जिनके बारे में पता भी नहीं है। ये पता नहीं किस चीज़ की मशीन है, क्या मशीन है। इसका नाम है दिलीप एंड इसका नाम है नवीन। तो कैसा लग रहा है, कैसा क्या? ये तो हमारे अभी भाई कुछ नहीं इनके बारे में पता, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, इनमें सामान भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या फुल हो रखे हैं, जितने भी मैकेनिक के सामान रहते हैं सारा है भाई, सामान सारा है। और ये क्या है, ये तो इंजन लग रहा है पूरा, अभी कुछ नहीं है भाई हमें पता, ये चल जाएगा धीरे धीरे पता। यहाँ पे डस्टबिन भी रखा है, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे बैठेंगे हम, तो भी टीचर लोग भी आ गए हैं और हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, कहीं नाम में कुछ मिस्टेक, जीमेल आईडी ऐसा वैसा। और इधर को ये कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिनके नाम में कुछ गड़बड़ है, और बंदे अपना मस्त फोन चला रहे हैं। तो बस सब फोन चला रहे हैं भाई, देखो इसको। तो थोड़ी देर क्लास में बैठने के बाद हम आ गए इधर कैरम खेलने। तो इधर सिर्फ खेलने का सिर्फ एक ही चीज़ है, कैरम ही कैरम है इधर। तो यहाँ पे ख़तरनाक मैच चल रहा है इनका, और यहाँ पे टाइपराइटर भी पड़ा हुआ है जिसका यूज़ मेरे को पता नहीं है कि कैसे करता है, मतलब देखा नहीं मैंने कभी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, पर इसके बटनों को दबाने में अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो साउंड भी ठीक आ रही है, कट 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 कट, पर ये फंस जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कक्ष है यहीं बगल में, और यहीं पे हम कैरम खेल रहे। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 3:30 हो गया टाइम, और भाई छुट्टी हो गई थी, 2:30 बजे हो गई थी, तो तब से मैं यहाँ आ गया था। तो नीचे रास्ते का मैंने कुछ दिखाया नहीं, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कोई लिफ्ट वाला भाई आ जाए। मेन रोड है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, अगर नहीं आया थोड़ा देर तक तब मैं पैदल चल दूँगा। कोई नहीं, 7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, 7 किलोमीटर बस। तो वेट करते अभी थोड़ा देर और कोई भाई आ जाएगा। और इधर से भाई पुरोला का पूरा व्यू दिखता है, अभी पेड़ है आगे, यहाँ नीचे एक पार्क भी है छोटा सा, पर नीचे जाऊँगा तब तो खैर गाड़ी मिलने से रही। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरे को एक बलेरो मिल गई थी, मतलब हालांकि ये लिफ्ट नहीं है, पर कोई नहीं, कम से कम मिली तो सही, वरना वहीं पे रुका रहना पड़ता। तो इसमें भी भाई सिद्धू मूसेवाला के गाने चला दिए उसके बाद, और सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फ़ैन है ये लगता है। तो अभी फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और भाई पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो अभी तो भाई इधर को बिल्ली डाल रखी है सुखाने के लिए, तो इन्हें भी समेटना है थोड़ा देर में। और मम्मी जी भी घास काट रही है, और इधर भी जिन्हें बटना है यहाँ घास है, और पूरे छत के ऊपर घास है। तो अब तो खैर पूरा मेरे पे हो गया, मेरे पे पड़ गया पूरा।
पूरा काम का लोड, और इधर तो खैर पूरा बरामदा इन्हीं ने घेर रखा है। तो अभी चेंज करते हैं, खाना खाते हैं और बस देखते हैं क्या क्या होता है। और तो अभी खाना पीना भी हो गया है और मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर, क्योंकि कितनी बार बोलूँ, यहाँ पे मम्मी जी घास कर रही है, बिल्ली इकट्ठा करना है, बिल्ली बटनी है मतलब इकट्ठा घास कर रहे हैं। तो भाई आसमान तो खैर शुक्र है बरसा नहीं आज, तो ख़राब ही चल रहा है आज दिन भर आसमान। तो भाई इतना सारा घास, वाह। तो अपनी एक बेली हो गई है, ऐसे ही सारा करना इसे, इसमें कम से कम 10-12 बेलियां तो आराम से आएगी, तो सारा निपटा के मिलते हैं अभी एक चुटकी में। तो फाइनली पूरी बेली बढ़ दी है, ये हुई 14-15 बेलियां लगभग। भाई अब इन्हें नीचे फेंकना फिर बरामदे में या कहीं भी। और इधर को मंडवा है भी पकना शुरू हो गया है, होना शुरू हो गया है, मतलब मंडवा अभी तो पूरा ग्रीन है, पकेगा पता नहीं कब पकेगा, पूरा हरा भरा हो रखा है, हरा हो रखा है पूरा। और ये पौधे भी यहाँ पे कुछ मार्छे के, मार्छा बोलते हैं इन्हें हम, हिंदी में भी मार्छा ही बोलते होंगे मुझे नहीं पता भाई, ये लाल लाल टाइप के हैं तो इनमें दाने होते हैं जहाँ ये लाल लाल है, बस ये बहुत कम ही है यहाँ पे। तो अभी इतनी बेलियाँ बढ़ दी है, जो अभी की बेलियाँ थी वो इतनी हैं लगभग। और ये पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया, इस दरवाजे से कुछ काम भी नहीं है अभी, तो बंद हो गया तो कोई नहीं। तो यूज तो सिर्फ दो दरवाज़ों का होता है, एक मम्मी का और एक हमारा, बस। तो अभी शाम के 5:30 हो गया ऑलमोस्ट टाइम, और मैं चल दिया अपनी शॉप की तरफ। तो थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा से चल दिया, मतलब जैसे मार्केट से आया बेली बटी और आराम किया और चल दिया दोबारा।